नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं जखिनिया विधानसभा क्षेत्र में और जखिनिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने रामराज बनवासी जी को टिकट देकर ये साबित कर दिया है कि हम सबका विकास और सबका साथ चाहते हैं। तो आज जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया इन्होंने और आज इस क्षेत्र में उतर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जखिनिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी रामराज बनवासी जी, इनसे हम जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा सर, क्या मुद्दे रहेंगे आपको यहाँ पर जो चुनाव लड़ने के, जो विधानसभा में, ये जखिनिया विधानसभा में? यहाँ विधायक साहब, यहाँ मुद्दा साफ है, सबका साथ और सबका विकास। क्योंकि मैं भी एक निम्न जात का व्यक्ति हूँ और भाजपा ने मुझे यह सम्मान दिया है, तो मेरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के दलित में जैसे डोम, धरकार, बांसफोर, मूसर, ये जातियाँ हैं, उनका सम्मान बढ़ाया है। और ये जो उनके में जो ये महादलित की जात के लोग हैं, भाजपा के साथ बहुत ही यानी कि लगाव में हैं और उनको बहुत सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक रामराज को टिकट दे करके हम लोग का सम्मान बढ़ाया है। तो भाजपा जो है न तो किसी जात का है, न किसी बिरादरी का है, न किसी धर्म का है, न परिवारवाद है और न तो किसी तरह का किसी के ऊपर एक व्यक्तित्व का है। यहाँ सबका साथ सबका विकास, यानी जो भी कार्य होता है सहभागिता के अनुसार, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो हमारी, वो सहभागिता के काम करो। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी जो भी यहाँ काम करूँगा सहभागिता के अनुसार। सहभागिता का मतलब होता है जो हमारा बूथ अध्यक्ष है, जो हमारा मंडल अध्यक्ष है, जो हमारा पन्ना प्रमुख है, जो यहाँ के विशिष्ट लोग हैं, उनके साथ लेकर के तो यह जखिनिया का विकास होगा। धन्यवाद। तो कहीं सर, जैसे कि बीजेपी जो बात करती है कि रामराज की बात करती है, तो यहाँ पर जखिनिया विधानसभा में रामराज बनवासी जय श्री राम, जय श्री राम। तो जैसा कि बीजेपी एक थोड़ा सा, जखिनिया ही नहीं पूरी इंडिया में रामराज आ गया। जय जय भारत माता की। और जैसे उदाहरण बताता हूँ कि लोगों को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, उनको शांति चाहिए और उनका सुरक्षा चाहिए। ये तीनों मुद्दा जो है हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दे रहे हैं और घर घर जो है अपनी योजना पहुँचा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की सोच है झुग्गी झोपड़ी तक सोच है। आज यहाँ देख लीजिए, यहाँ जितने मुसार हैं आज जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, प्लास्टिक सेट में रहते थे, उन पेड़ के छाए में रहते थे, आज कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहाँ वो पक्के घर में रहने। तो यही रामराज का वो असली पहचान आ गया, रामराज आ गया है और रामराज और मजबूत भी होगा। तो जखिनिया विधानसभा में क्या बदलाव लेकर आएंगे आप? हाँ, जखिनिया का देखिए, सबसे यहाँ की जनता की मांग होती है रोड और उनकी पानी और बिजली, ये उनकी प्राथमिकता होती है और ये जो है सार्वजनिक होता है, ये निम्न होना चाहिए। और यहाँ जो है अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, जैसे यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है, आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वहाँ से आता है गाजीपुर से, तब से यहाँ गाँव जो सुहा हो जाता है। हाँ, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जो गरीब आदमी जो है अपना इलाज करा सके। सबसे बड़ी बात जो है, जखिनिया विधानसभा में एक ऐसा प्रत्याशी आए हैं जो देखना होगा कि क्या जो है कि जखिनिया विधानसभा में क्या गुल खिलाएंगे रामराज बनवासी जी। तो बस इसके लिए देखते रहें हमारा 16 हिंदी चैनल। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।